तो ऐसी लुक अगर आप चाहते हो ऐसी लुक, नहीं ना, ऐसी लुक चाहते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बाय द टाइटल आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ मुंह में क्यों अटक रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट हाउ यू कैन गिव योर हेयर अ नाइस शाइनी एंड स्लीक लुक। एक्चुअली ये वीडियो रिक्वेस्टेड थी वन ऑफ माई सब्सक्राइबर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं, तो मैंने सोचा वैसे भी मैं बाल स्ट्रेट करती ही हूँ जब भी मुझे वीडियोज़ बनानी हो, तो क्यों ना मैं उसके ऊपर एक एंटायर वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो करती हूँ, वट इज़ माई एक्चुअल प्रोसेस व्हाइल डूइंग स्ट्रेटनिंग, और मैं किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। यहाँ रिकमेंड करना चाहती हूँ, जब भी आप अपने बालों को सुखाने की कोशिश करते हो, डोंट रब योर हेयर, प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट। इट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर योर हेयर एक्चुअली। आपको कोई भी टी शर्ट या कोई भी कॉटन फैब्रिक आप अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हो टू रिमूव दैट एक्सेस वाटर। नेक्स्टली मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहती हूँ, आप अगर हेयर स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड हेयर स्ट्रेटनर। कोई भी लोकल ब्रांड यूज़ मत कीजिए अपने बालों के लिए, क्योंकि यार ये आपके बाल हैं, हमेशा अच्छे स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट किया है, लाइक दिस वन, दिस इज़ द रेमिंगटन वन, और रेमिंगटन में बहुत अच्छे और भी स्ट्रेटनर्स आते हैं, इवन उनके कर्लिंग बॉन्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। I really love using a nice straightener. You can use a Philips one, और एक बहुत iconic करके भी एक brand है, वो भी आप use कर सकते हो। तो वो straightener use करें जो आपके बालों को ज़्यादा damage ना करे, ठीक है। Very 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 important to use a nice heat protected spray guys, like this one I use from L'Oreal. Even Tresemme has good hair sprays. मैं सब products के link नीचे description box में छोड़ दूंगी, कि तो अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है आप definitely buy कर सकते हो अपने लिए। So now I have shared how to take care of your hair before doing hair straightening. तो चलिए मैं आपको actual process बताती हूँ कि मैं कैसे अपने बालों को straight करती हूँ। तो guys मेरे बाल हैं wet, और इनको style करने से पहले मैं क्या करूँगी, आप पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी गीले बालों में आपको iron नहीं करना है, otherwise you will damage your hair, okay? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ब्लो ड्राई करने से पहले मैं यूज़ करूँगी हीट प्रोटेक्टेड सीरम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इट्स अ स्प्रे एक्चुअली। लगाने से भी डैमेज होगा, बट इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है जितना अगर आप स्ट्रेट आयरन करते हो। जस्ट स्प्रे ऑल ओवर योर हेयर, ओके, एंड स्प्रे जहाँ जहाँ आपको, ऑब्वियसली पूरे बालों में ही आप करोगे ना, जहाँ जहाँ तो कुछ होता नहीं है, तो नॉर्मल इसको मैं इसको स्प्रे करूँगी पूरे बालों में। मैं अभी कोई कोम नहीं यूज़ करूँगी अपने बालों में। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वो स्लीक सा या शाइन अगर आप चाहते हो आपके बालों में वो आए नज़र, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने बालों को पहले ब्लो ड्राई करें। ब्लो ड्राई करने से क्या होता है, एक तो आपको शाइनी इफेक्ट मिलता है आपके बालों में, और बहुत अच्छे से आपके जो बाल स्ट्रेट हो जाएंगे जब आप उसको स्ट्रेट आयरन से स्ट्रेट करते हो, ओके। और कोशिश करें बालों को कभी भी ऐसे ब्लो ड्राई नहीं करें, हमेशा दूर से, इतना दूर होना चाहिए डिस्टेंस, टच मत करें अपने ब्लो ड्रायर को अपने बालों से। और अब मैं लग रही हूं भूत। यहाँ तक मेरे हैं नेचुरल बाल, ये मेरे हैं स्ट्रेट वाले बाल। तो ये मेरे बाल हैं इस तरीके के, जो बिल्कुल ही अजीबो गरीब है। ऑलरेडी वो शाइन आप देख रहे हो मेरे बालों में, राइट, क्योंकि मैंने ब्लो ड्राई यूज़ किया था, इसलिए वो शाइन आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हो, सबसे पहले आपको अपने बालों को करना है सेक्शन में डिवाइड करके, यू हैव टू कॉम्ब योर हेयर। यहाँ से मुझे बाल उठाकर अपने बालों में सेक्शन बनाना है, तो इस तरीके से आपको दो सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है, ऐसे बनाने हैं आपको दो सेक्शंस।
तो अब आपको क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से कॉम करनी है। हीट प्रोटेक्टेड मैंने ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ तो अब मेरे बालों में ज्यादा डैमेज नहीं होगा। सेक्शन बाय सेक्शन लेकर यू हैव टू टेक वेरी वेरी स्मॉल सेक्शंस, मतलब कि इतने सेक्शंस लेकर। डोंट बर्न योर सेल्फ गाइज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल स्ट्रेटनिंग। ओके, सो वॉट यू हैव टू डू इज टेक द स्ट्रेटनर लाइक दिस एंड देन यू कैन जस्ट प्रेस इट लाइक दिस एंड टेक इट ऑल द वे डाउन एंड यू कैन सी दैट। ओके, आपको ऐसे ही रिपीट करते रहना है, स्मॉल स्मॉल सेक्शंस लेने हैं और रिपीट करते रहना है। नाउ टेक दिस बैक और उसके बाद फिर से एक सेक्शन लूंगी। इट्स अ लेंथी प्रोसेस, आपको आधा घंटा लग जाएगा करने में, बट अच्छा लगता है जब बाल स्ट्रेट। मुझे तो स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है, सच बताऊँ तो। ऐसे ही आप इसको फॉलो करते रहोगे। मेक श्योर कोई भी सेक्शन आपका खाली नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेटन प्रॉपरली। आपको बिल्कुल अपने रूट से लेके आना है स्ट्रेटनर। डोंट बर्न योर स्कैल्प, ओके, अपना स्कैल्प बर्न नहीं करना है आपको। और ऐसे आपको लेके आना है। आई हैव बीन स्ट्रेटनिंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ, मुझे आई थिंक 14-15 साल हो गए हैं मुझे स्ट्रेटनिंग करते हुए। इनफैक्ट आई थिंक I started straightening my hair when I went to Chandigarh. That was first time when I started straightening. जब मैं अपनी graduation में थी, उससे पहले मैं पता क्या करती थी, I think आप लोगों ने भी वो try किया होगा, iron होती है ना जो, जिससे हम कपड़े press करते हैं, उससे मैं अपने बालों को straight करती थी और उससे मेरे बाल बहुत damage हुए थे। तब इतना idea नहीं होता था और तब तो हमें straightener भी बहुत महंगा लगता था यार, सच बताऊँ तो budget में ही नहीं होता था। तो मैं ज़्यादा straight वैसे करती नहीं थी, पर जब भी करती थी तो हमेशा बालों को ऐसे लेके iron करना, मम्मा को बोलना प्लीज़ iron कर दो। तो मैंने ब्लो ड्राई किया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है स्ट्रेट करना। Take it like this and then run the straightener like this. Take it like this and run the straightener like this. इससे और भी ज़्यादा sleek look आ जाएगा, okay? आप ऐसे भी कर सकते हो। So अगर आप ऐसे करते हो तो आपके बालों में shine भी बहुत अच्छा आएगा और आपके बाल अच्छे लगते हैं। और जब आप end में जाते हो, you can just give it a like this. You can just give it a twist. See, it will have that curve. तो आप ऐसे round कर सकते हो अपने बालों को ऐसे करके। इनको फिर से मैं divide करूंगी इस section में। यहाँ से स्ट्रेट हो जाते हैं बट जब यहाँ से रह जाए ना ऊपर से, दैट लुक्स वेरी बैड। होल्ड द स्ट्रेटनर लाइक दिस, रन करना है, उससे बिल्कुल बैठ जाएंगे आपके जो भी बेबी हेयर होंगे, जो भी होंगे, बिल्कुल यहाँ पे जो भी डेंट आता है वो बैठ जाता है। देख रहे हो आप कितना स्लीक सा लुक आ गया है ना। तो आपको ऐसे ही करना है, यू हैव टू डू लाइक दिस एंड देन रन इट लाइक दिस। आपको ऐसे करके यू हैव टू जस्ट कर्व इट सो दैट कि एक अच्छा लेयर आ जाए। अगर आपकी लेयरिंग वाली कटिंग हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है जब आप इस तरीके से करते हो। कितने सुंदर लग रहे हैं देखो, बिल्कुल स्लीक शाइनी एंड इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस। बाउंसी इफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ब्लो ड्राई यूज़ किया था। अगर आप ब्लो ड्राई नहीं यूज़ करते हो तो आपको बाउंसी इफेक्ट नहीं मिलता। बाल है यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे, तो मुझे ये स्ट्रेटनर लेके ना बिल्कुल अपने बालों में ऐसे रन करना है सो दैट कि वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। स्ट्रेटनर को फिर से यू हैव टू गिव अ फाइनल टच बाय स्ट्रेटनिंग ईच एंड एवरी सिंगल स्ट्रैंड। यू हैव टू टेक दिस सेक्शन ओवर हेयर, दिस सेक्शन एंड रन द स्ट्रेटनर ओवर हेयर। दिस इज कॉल्ड अ क्राउन सेक्शन। क्राउन सेक्शन में हमेशा हमारे स्ट्रैंड्स कर्ली रह जाते हैं। सी, आई लव यूजिंग दिस आर्गन ऑयल फ्रॉम OGX। ये मोरोको ऑयल है। आपको बिल्कुल टाइनी अमाउंट लेना है, इतना अमाउंट आपको लेना है, इससे ज़्यादा आप नहीं लोगे। इसको ऐसे रन करोगे अपनी फिंगर, अपने पाम में, और फिर क्या करना है आपको,
ऐसे इसको रन करके अपने स्ट्रैंड्स पे लगाओगे। आपको अगर ज्यादा लगाया तो आपके बाल ऑयली हो जाएंगे, ग्रीसी लगेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरी ये हेयर स्ट्रेटनिंग वाली टेक्निक पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और रेड बटन पे क्लिक कीजिएगा, फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं बटन पे क्लिक करने के। और उसके साथ जो बेल आइकन है उस पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा, उससे आपको मेरे चैनल की फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी। और क्या करना है, फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे मुझे, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज हेयर ऑन द स्क्रीन। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन यू स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय गाइस।